तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सभी मोबाइल नंबर को, यानी कि जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में कॉन्टैक्ट है, उन सभी कॉन्टैक्ट को कैसे अपनी ईमेल आईडी में सेव करके रख सकते हो, ताकि आप उस ईमेल आईडी को किसी नए मोबाइल में भी डालो तो सारे कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होकर उस नए मोबाइल फ़ोन में आ जाएँ। तो ऐसा करने के लिए आपको जाना है कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, सारे कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको थोड़ी देर बाद ऑप्शन मिलेगा कि आपको ये कॉन्टैक्ट कहाँ शेयर करने हैं, तो आपको ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर BCF नाम की एक फ़ाइल बन जाती है जो कि आपके ड्राइव में सेव होने के लिए मांगता है। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर रखी हुई है, इस ईमेल आईडी में ये ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो आपको सिंपली सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद आपकी जो है मेल आईडी में कॉन्टैक्ट सारे सेव हो जाएंगे, लेकिन अभी आपका काम नहीं हुआ है। उसके बाद जाना है आपको गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाने के बाद उस फाइल को लोकेट करना है कि कहाँ पे है। आप देख सकते हो कि BCF नाम की फ़ाइल यहाँ पर है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन में आपकी मेल आईडी डली होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। आप किस मेल आईडी में अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप रखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहां से जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूं। थोड़ी देर बाद सारे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी में अपने आप ही सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट में और उस मेल आईडी को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आपने वो कॉन्टैक्ट सेव किए हैं। तो मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस मेल आईडी में मैंने सिलेक्ट किया था, तो ये सारे कॉन्टैक्ट इसमें ऑटोमेटिक ही आ चुके हैं। उसके बाद मेरी एक और मेल आईडी है जिसमें कि कॉन्टैक्ट नहीं है। ये दिखाने के लिए कि इसमें कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करने हैं, दोबारा से आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको जाना है दोबारा से गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाने के बाद आपको उस फाइल पर क्लिक करना है जो कि कॉन्टैक्ट का बैकअप हुआ था। उसके बाद आपको वो मेल आईडी सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आप अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप रखना चाहते हो। तो मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम दोबारा से कॉन्टैक्ट में। तो मैंने वो मेल आईडी सिलेक्ट की है जिसमें कि मेरे कॉन्टैक्ट वो नहीं थे। तो अभी आप देख सकते हो कि जितने भी कॉन्टैक्ट थे वो सारे ही वापस मेरी उसी मेल आईडी में ऑटोमेटिक बैकअप से आ चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने सभी कॉन्टैक्ट को मेल आईडी में सेव कर सकते हो, ताकि वो आपके कॉन्टैक्ट दोबारा डिलीट ना हो। तो ये एक सबसे आसान तरीका था, आप इसका यूज़ करके अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप रख सकते हो। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जोर से मार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।